मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। क्या वो छोटा पक्षी था? एक बार दोनों दोस्त घर वापस आ रहे थे और बहुत थके हुए थे। आरी, तुम ध्यान से चलो, यहाँ बहुत सारे कागजी पत्थर हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। टुक टुक, ये पत्थर नहीं बल्कि अंडा है। पर कहाँ से ये यहाँ आया? अरस्तु और टुक टुक दोनों दोस्त इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये अंडा यहाँ आया कैसे। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि इस अंडे में से कल को एक नन्हा पक्षी निकलेगा और नन्हे पक्षी का जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा। दोनों दोस्त नन्हे पक्षी के भविष्य को लेकर इतने चिंतित हुए कि वे उसे रात को कागज के जंगल में नहीं छोड़ सके और उसे अपने घर ले आए। वैसे टुक टुक, मुझे लगता है इसे तकिए पर रखना चाहिए ताकि इसे आराम मिले। एकदम सही यारी, और इसे कंबल से ढक देते हैं ताकि इसे ठंड ना लगे। आरी देखो, खोल अपनी जगह पर है, पर छोटा पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है टुक टुक, पर वो नन्हा पक्षी आखिर जा कहां सकता है। तभी टुक टुक और आरी ने उस गुम हुए नन्हे पक्षी को खोजना शुरू किया। नमस्ते, क्या आपने यहाँ एक नन्हे पक्षी को देखा? आरी, मैं ऊपर उड़ता हूँ और पेड़ों की डालियों पर उसे ढूंढता हूँ, हो सकता है कि वो वहाँ हो। नहीं टुक टुक, वो अभी काफी छोटा है और उड़ नहीं सकता, हमें उसे नीचे ही ढूंढना होगा, पेड़ों पर नहीं। आरी और टुक टुक आगे चल पड़े, कछुआ भी उनके पीछे चल पड़ा। आरी देखो कैसी गुफा है ये, शायद हमारा छोटा पक्षी यहाँ हो। हो सकता है टुक टुक, मेरे सभी कागजी विचार यही कहते हैं कि यहाँ हमारा छोटा पक्षी बिल्कुल नहीं हो सकता। आरी छुपने के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, हमें इसके अंदर छुपना चाहिए। लेकिन ये मेरे लिए छोटा है टुक टुक, और मुझे अंधेरे से डर लगता है, शायद ये कछुआ हमारी मदद कर सकता है ना? तो इस प्रकार से गुफा का अभ्यास करने की जिम्मेदारी कछुए को दी गई। कछुए ने कहा कि इस गुफा के अंदर कोई नहीं है। टुक टुक, हमें ये अंडा तट पर मिला था, हो सकता है कि ये बतख का बच्चा हो। ये कागजी विचार हमारे नायकों को इतना पसंद आया कि तीनों भागते हुए झील की ओर चल पड़े, पर वहाँ कोई बतख का बच्चा नहीं था, इसीलिए खोज करने का निर्णय अगले दिन तक रोक दिया गया। घर आकर टुक टुक ने अंडे के खोल के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि छोटे पक्षी की याद में उन्हें चिपकाया जाए। बेचारा नन्हा पक्षी, वो जंगल में अभी अकेला होगा, मैं कितना लापरवाह हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नन्हा पक्षी भी नहीं मिला और अंडे के खोल को भी चिपका नहीं पा रहा हूँ। अरे यहाँ लगता है एक टुकड़े की कमी है। ओह, अचानक अरस्तु ने डबल बास बजाना बंद कर दिया और बड़े ध्यान से नन्हे कछुए को देखने लगा। फिर उसने अंडे को देखा और फिर से नन्हे कछुए को देखा। टुक टुक, सब कुछ कागज के पन्ने की तरह बिल्कुल साफ है, यहाँ देखो। इसका क्या मतलब है आरी? इसका मतलब ये है कि कछुए भी पक्षियों की तरह ही अंडों से निकलते हैं। हमारा नन्हा कछुआ वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, समझे कुछ? हुर्रे, मतलब ये कि सवाल का जवाब पूरे दिन हमारे सामने ही था, कागजी दोस्त। तो आओ बनाए नन्हा कछुआ, एक कागज की प्लेट लो और अपने मन चाहे रंग से उसे रंग दो। ये बन गया कछुए का खोल। अब रंगीन कागज को काट कर सिर, पैर और पूंछ बनाकर खोल पर चिपका दो। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, आँखों के बारे में नहीं भूलना, उन्हें पेंसिल से बना सकते हैं या फिर बनी बनाई आँखें चिपका सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नन्हा कछुआ हमारे साथ रहेगा। टुक टुक,
नन्हे कछुए का अपना घर है ये, और ये है उसका खोल, इसीलिए ये हर जगह अपने आप को घर में जैसा महसूस करता है। अरे ये तो कमाल हो गया, ये आज के दिन की कागजी समाप्ति थी। तो ऐसे बड़े कारनामों का हमारे नायकों को अनुभव मिला, और अब वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई छुपे रहस्य को ढूंढने के लिए हमेशा दूर जाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ अपने आसपास ध्यान से देखने की जरूरत होती है। कागज का करिश्मा में